हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। LIC तरफ रु असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO र वैकेंसी भरिछि। एही पोस्ट को अप्लाई करने पे कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिछि, एही पोस्ट को आपन केमिति अप्लाई करिवे, स्टेप बाय स्टेप मु आपन को अप्लाई करिकि देखेबी। ता पूर्व जदि आपन ए चैनल ले नुवा छथि, ए चैनल को सब्सक्राइब कर लियंतु और बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु नै। चलंतु एही पोस्ट को आपन केमिति अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फ्रेंड, ये जो देखते e-niyukti.in निजुक्ति ओडिशा ऑफिशियल वेबसाइट रही है। डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे, डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पहुंच पारे। नचे आप गूगल सर्च करेंगे e-niyukti.in जो वेबसाइट आप प्रथम आसो से वेबसाइट क्लिक करेंगे आप पोस्ट में पहुंच पारे। ये शो कर LIC AAO रिक्वायरमेंट 2023 आप नोटिफिकेशन शो कर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही है आप चेकआउट करेंगे। टोटल पोस्ट वैकेंसी 300 पोस्ट वैकेंसी रही। ऑनलाइन अप्लाई केवे स्टार्ट हो, लास्ट डेट आप केवे आप चेकआउट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो रही आप बैचलर डिग्री करेंगे कोई भी डिसिप्लिन आप अप्लाई करेंगे। ये आप सिलेक्शन प्रोसेस आप कमी रही है, क्वेश्चन पैटर्न कमी आस डिटेल्स चेकआउट करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप रही क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड होगा। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर भल भाव में जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रही आप सब चेकआउट करेंगे। जदि आप पोस्ट में एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई लिंक आप क्लिक करेंगे। अप्लाई लिंक उपर क्लिक कलापर आई फेजटा आप ओपन होता शो कर रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरलाइज्ड आप शो कर ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट 15/1/2023 स्टार्ट होती लास्ट डेट रही है 31/1/2023 आप रही। फास्ट आपको रजिस्ट्रेशन करा पड़ो, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर ए फेजटा आप ओपन हो, फास्ट आप बेसिक इनफर्मेशन भरवे, फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, डिटेल्स भरवे, प्रिव्यू होप्लिकेसन जहाँ आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे, आप्लिकेसन टा सबमिट हो गोटे गोटे स्टेप आप भर पड़ो। फास्ट आप बेसिक इनफर्मेशन भरवे, फास्ट नेम आप एंटर करेंगे जहाँ आप फास्ट नेम अच्छी फास्ट नेम एंटर करेंगे। जो फास्ट नेमटा आप एंटर कले से फास्ट नेमटा आउ थे आप कनफर्म करेंगे। जदि आप मिडिल नेम अच्छी तो मिडिल नेम देते ना ब्लांक छाड़े। लास्ट नेम आप एंटर करेंगे, लास्ट नेम आउथ आप कनफर्म करेंगे। फुल नेम आप शो करेंगे, ये आप वैलिड मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। जो मोबाइल नंबर एंटर कले से मोबाइल नंबर आउ थे आप कनफर्म करेंगे। अलरेडी मोबाइल नंबर जो देखा चाहते हैं ना ब्लैंक छाड़े। ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, आप ईमेल आईडी देते आप डोमेन नेम आप कौन अच्छी जिमेल अच्छी ना याहू अच्छी जहाँ अच्छी आप हिसाब से चूज करेंगे। जो ईमेल आईडी आपने से ईमेल आउ थे आप कनफर्म करेंगे। सिक्योरिटी कोड देखते सिक्योरिटी कोड आप एंटर करेंगे। आप सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आप गोटे मेसेज शो कर रजिस्ट्रेशन नंबर आप शो कर पासवर्ड भी आप शो कर मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आई आप चेकआउट करेंगे। ये आप नोट डाउन कर रखने ये आप फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे। चूज फाइल कर फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ साइज रहा दरकार 20-50 KB भितर फोटोग्राफ साइज रहा दरकार, JPG फॉर्मेट रहा दरकार। आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, ये आप टिक करेंगे। आई कन्फर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड ऑल्सो एग्री टू हैव मेंशन नोट आप टिक करेंगे। फोटोग्राफ अपलोड करते आप टिक करेंगे। ये आप सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर साइज रहा दरकार 10-20 KB भितर आप सिग्नेचर साइज रहा दरकार। आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ये आप टिक करेंगे जे आप आप सिग्नेचर रही है आप टिक करेंगे। आप नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आप बेसिक डिटेल्स आप भरिया पड़ो। कैटेगरी आप कौन अच्छी SC ST OBC अनिज EWS जहाँ आप कैटेगरी अच्छे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जदि आप OBC सिलेक्ट करते आप सब कैटेगरी आप जहाँ अच्छी कास्ट डिप्लीट आप मेनसन देव सब कैटेगरी देते आप हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। फाइव पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव आप PW कैटेगरी होते हैं तो आप क्लिक करेंगे। ये सब क्लिक करेंगे टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी आप कौन से आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। आज जहाँ जहाँ सब रिक्वायरमेंट रही है पढ़ी आप येस नो आपे जी आप बेंचमार्क डिजेबिलिटी होना थे PW कैटेगरी होना थे आप नो क्लिक करेंगे। रिलीजन टू व्हिच यू बिलोंग आप रिलीजन आप कौन अच्छी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। डू यू बिलोंग्स टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी आप माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग्स करते हैं तो ये सब क्लिक करेंगे। कर ना आप नो क्लिक करेंगे। एक्स सर्विस मैंने आप एक्स सर्विस होते हैं तो आप ये सब क्लिक करेंगे। ये सब क्लिक कला पीरियड ऑफ सर्विस मंथ में आप एंटर करेंगे। जब आप एक्स सर्विस में होते हैं नो आप क्लिक करेंगे। आर यू ए कन्फर्म एम्प्लॉय ऑफ LIC आप LIC रे आपर कन्फर्म एम्प्लॉय अच्छे आप परमानेंट एम्प्लॉय अच्छा आप सब क्लिक करेंगे। ये सब क्लिक कला आप सीरियल नंबर देते डेजिग्नेशन आप कौन अच्छी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप पोस्टिंग होते हैं आप पोस्टिंग आपड़ी लिखे। जब आप LIC रे कन्फर्म एम्प्लॉय नए तो आप नो क्लिक करेंगे। स्टेट UT फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर आप
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को स्टेटर आपण दबा छथि फर्स्ट आपण आपण स्टेट सिलेक्ट करबे ओडिसा सिलेक्ट करबे आपण हिसाब आपण आपण स्टेट सिलेक्ट करि परबे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर आपण एग्जामिनेशन सेंटर आपण कोड देबे स्टेट सिलेक्ट करसला परे आपण आपण एग्जामिनेशन सेंटर शो करबो ओडिसा यदि आपण सिलेक्ट करथबे ताले आपण एग्जामिनेशन सेंटर रे आपण भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर आपण शो करबे आपण आपण एग्जाम सेंटर आपण चूज करबे स्टेट यूटी फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन आपण मेन रिटन एग्जामिनेशन को सेटर आपण दबा छथि आपण हिसाब आपण स्टेट सिलेक्ट करबे तापर आपण सेंटर आसीबो सेंटर आपण चूज करबे पर्सनल डिटेल्स से आपण डेट ऑफ बर्थ जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ रही डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे एक एक 2023 सुधा आप कितने वर्ष कंप्लीट आप आसो जेंडर आप अच्छी मेल फीमेल जहाँ आप जेंडर जेंडर सिलेक्ट करेंगे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर अच्छे आप ये सब क्लिक करेंगे ये सब क्लिक करेंगे नेम ऑफ ट्विन आप ट्विन अच्छे ना कौन अच्छी से मेल ना फीमेल अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे जब आप ट्विन ब्रदर सिस्टर ना थे आप नो उपर क्लिक करेंगे मैरिड स्टेटस आप कौन रही अनमैरिड मैरिड जहाँ आप अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे फादर्स नेम आप एंटर करेंगे जहाँ आप फादर्स नेम रही मदर्स नेम देते आप मैरिड थे आप स्पाउस नेम आप एंटर करेंगे एड्रेस फॉर करेस्पोंडेंस आप प्रेजेंट एड्रेस आप एंटर करेंगे आर्ट पोस्ट डिस्ट आप एंटर करेंगे स्टेट आप जहाँ स्टेट रही स्टेट आप ओडिशा सिलेक्ट करेंगे पिनकोड जहाँ आप पिनकोड अच्छी पिनकोड आप एंटर करेंगे ये आप शो कर सेम आज एड्रेस फॉर करेस्पोंडेंस आप जो करेस्पोंडेंस एड्रेस भरले प्रेजेंट एड्रेस आप भरले यदि आप परमानेंट एड्रेस सेम अच्छी आप बक्स टिक करेंगे दुटाक एड्रेस आप सेम हो यदि आप अलग अलग अच्छे टिक करेंगे नहीं आप अलग अलग आप भरवे आप चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग आप जीएसटी कौ एड्रेस आप आधे गोटे चूज करते हैं एप्लीकेशन फी आप हिसाब से जहाँ आप कैटेगरी अच्छी एप्लीकेशन फी आप शो करते आप ओबीसी अनुजीव कैटेगरी होते हैं 826 टाँग आप शो करते हैं आप एसटी कैटेगरी होते हैं देखिए आप एसटी कैटेगरी कि एससी होते हैं आप एप्लीकेशन फी आप 100 टाँचा 30 पैसा आप शो करते आप हिसाब से आप जो कैटेगरी होते हैं से अनुसार आप एप्लीकेशन फी आप शो करते हैं आप चेकआउट करने तापर आप वैलिड डिटेल्स क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आप एप्लीकेशन टा वैलिड हो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कलापर आप बेसिक डिटेल आप भरने आप ग्रीन हो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज डिटेल आप भरिया पड़ो एजुकेशन क्वेश्चन आप मागी एक एक 2023 सुधा जहाँ भी आप एसेंशियल एजुकेशन क्वेश्चन मागी से आप पास आउट हो सकता दरकार एक एक 2023 सुधा आप पास आउट हो सकता दरकार आप बैचलर डिग्री करेंगे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ पर अप्लाई करेंगे ये आप पर्सेंटेज आप मेनसन करेंगे आप 59.99 अच्छी आप 59.99 लिखे राउंड अप करेंगे 60% आप लिखे आप हिसाब से आप जहाँ आप पर्सेंटेज अच्छी आप करेक्टली आप मेनसन करेंगे फास्ट आप ग्रेजुएशन भरेंगे ग्रेजुएशन आप आर्ट साइंस कमर्स एग्रीकल्चर मैनेजमेंट अदर्स जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे आप बीबीटेक करते हैं आप अदर सिलेक्ट करेंगे अदर सिलेक्ट कर सारे आप ग्रेजुएशन कौन अच्छी बीबीटेक अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे जब आप आर्ट साइंस कमर्स करेंगे बैचलर डिग्री तब आप सब्जेक्ट आप स्ट्रीम आप सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ पासिंग के पास आउट होते डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे कितने परसेंट आप रखिंट परसेंट आप एंटर करेंगे आप ग्रेड कौन अच्छी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास पास आप हिसाब से आप एंटर करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पीजी डिग्री आप करेंगे तो आप पीजी डिग्री आप मेनसन करेंगे सेमती आप पीजी डिग्री डिटेल्स भरेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप किसी अच्छी आप भरीपारे अदर किसी क्वालिफिकेशन अच्छे आप भरीपारे वर्क एक्सपीरियंस जब आप अच्छी आप वर्क एक्सपीरियंस आप भरीपारे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर आप कौट जॉब करते कंपनी नाम लिखे प्रेजेंटली वर्किंग आप करेंगे आप येस करेंगे जब करना नो उपर आप क्लिक करेंगे डेजिनेसन आप कौन अच्छी केवे आप जॉइनिंग करते के छाड़े नेचर ऑफ ड्यूटी आप कौन था परमानेंट टेम्पररी कंट्रेक्चुअल जहाँ आप थी आप सिलेक्ट करेंगे रिजनेबल लिविंग कौन पे आप छाड़े आप रिजनेबल लिविंग आप लिखे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप ऑटोमेटिक काउंट ही आज आप दुई तीन टा एक्सपीरियंस आर्ड मोर पर क्लिक करेंगे एम बक्स आसो आप सब एक्सपीरियंस आप एंटर करेंगे जब आप एक्सपीरियंस नहीं बक्स आप ब्लैंक छाड़ पारे लैंग्वेज ना आप कितने लैंग्वेज जानते हिंदी इंग्लिश ओडिया आप लैंग्वेज आप जहाँ आप भरवे आप लांगुएजा कहीपी पढ़ी पार्टी लिखी पार्टी आप टिक करेंगे आपंक मिनिमम गोटे लांगुएज भरीपरेंगे मैक्सीम आप तीन टा लांगुएज आप भरीपारे आप वैलिड डिटेल्स आप क्लिक करेंगे आप डिटेल्स आप वैलिड होपर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कलापर आप एप्लीकेशन टा आप फ्री हो भल भाव से चेकआउट करेंगे जहाँ जहाँ आप भय भल भाव से चेकआउट करेंगे ये आप आई एग्री आप क्लिक करेंगे जब आप किसी भूलभाल करते हैं बैग जी आप एडिट करेंगे जब आप सब ठीक ठाक कर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कलापर आप थे आप डाटा सेव कर सारापर आप एडिट करें भल भाव चेकआउट करेंगे आप ओके क्लिक करेंगे
एटे आपण आउथरो ओके पर क्लिक करिवे। ओके पर क्लिक कला पर आपण एटी अपलोड करिया को आपण ऑप्शन आसी जिवो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपण एटी चूज फाइल करि आपण एटी आपण थंब इंप्रेशन आपण एटी अपलोड करिवे। इंप्रेशन जो साइज रहबा दरकार 20 रु 50 केबी ते आपण थंब इंप्रेशन साइज रहबा ता जेपीजी नल जेपीजी फॉर्मेट रहबा दरकार। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपण एटी अपलोड करिवे चूज फाइल करि आपण जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपण लिखितबे ब्लैंक पेपर आपण लिखितबे आपण एटी अपलोड करिवे। तारो साइज रहबा दरकार 50 केबी रु 100 केबी भीतर आपण साइज रहबा दरकार जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट रे आपण रहबा दरकार। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपण कोन लिखे हम आपण कहि दउ छी आपण ए जो अछि इ निजु रुटीन आपण ए डिक्लेरेशन आपण मिल जइबो आपण निजो हैंड राइटिंग ब्लैंक पेपर आपण लिखिबे लिखि के आपण स्कैन करिवे स्कैन करि के आपण अपलोड करिवे। एठे आपण लिखिबे आई आपण नाम लिखिबे नेम ऑफ द कैंडिडेट आपण नाम लिखिबे हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इनफॉरमेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपण एठे आपण निजो हैंड राइटिंग ले ब्लैंक पेपर रे आपण एठे लिखिबे लिखि के आपण एठे अपलोड करिवे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जगह रे आपण एठे अपलोड करिवे। तापर आपण सिक्योरिटी कोड आपण एटी जहाँ आपण सिक्योरिटी कोड देखुछन्ती सिक्योरिटी कोड आपण एटी एंटर करिवे। तापर आपण सेव एंड नेक्स्ट उपरे क्लिक करिवे। सेव उपरे क्लिक कला परे आपण एटी पेमेंट करिया को आपण एटी ऑप्शन आसी आपण हिसाब आपण कैटेगरी हिसाब रे आपण एटी पेमेंट शो करतबो सिक्योरिटी कोड आपण एटी एंटर करिवे। तापर आपण एटी सबमिट उपरे क्लिक करिवे। सबमिट उपरे क्लिक कला परे पेमेंट गेटवे पेज आपण खोलि जिवो आपण एटी आपण क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अदर डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट कैश कार्ड क्यूआर कोड यू पेथ रे आपण पे करि परे आपण हिसाब आपण जहा आपण अछि ऑप्शन आपण हे हिसाब रे आपण सिलेक्ट करि आपण डेबिट कार्ड सिलेक्ट करिवे ताले आपण कार्ड डिटेल्स आपण भरिबे। तापर आपण मेक पेमेंट उपर आपण क्लिक करिवे। पेमेंट उपर क्लिक कला परे आपण को पेमेंट आ वेरीफाई हबो पेमेंट वेरीफाई आपण पेमेंट सबमिट हे जिवो। पेमेंट सबमिट हे गेला परे आपण एप्लीकेशन फॉर्म टाइप आपण सबमिट हे जिवो आपण एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करि आपण पाखरे रखि नेबे। तरफ रु असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ रो ऑनलाइन अप्लाई आपण केमिति करिवे स्टेप बाय स्टेप मु आपण बतै सारी छी। जदि आपण मन रे किछु डाउट अछि कमेंट सेक्शन रे पछान्तु। ए वीडियो आपण भल लागिथिले वीडियो को लाइक करन्तु आपण फ्रेंड मन से शेयर करन्तु ए चैनल को सब्सक्राइब करया भूलन्तुनी। धन्यवाद।